दरवाजा बंद कर दीजिए, लाइट थोड़ा कम करो। लग रही है कम कर लो बेटा, कोई जरूरत नहीं होती इतनी। बाउंसिंग कर लो, ऊपर कर दो, ऊपर बाउंस करो। अरे ऊपर कर दो ना, बाउंस करो। और इतनी लाइट की जरूरत भी नहीं होती आजकल, कहाँ जरूरत है। ठीक है, बाउंस करो ऊपर सीलिंग पर। आप भी वही कीजिए। अच्छा, दरवाजा थोड़ा आप लोग दरवाजा बंद रखो भैया, यहाँ नहीं किसी को बोल के रखिए आप, वहाँ ऐसा नहीं होगा, बोल के रखिए। आज मुझे बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे गुलजार साहब विष्णु गुड़ रहा है और सब बच्चों के साथ इतनी दिल से इतनी खूबसूरत बातें की कि आज बच्चों को पोइट सुनाना और पोइट मिलाना, पोइट से मिलाने बहुत फ़र्क है। आज बच्चों ने समझा कि गुलजार साहब क्या है, इंसान के नाते, पोइट के नाते, फिल्म मेकर के नाते, फिल्म राइटर के नाते, और बहुत सीखने को बातें मिली इनको। हम बहुत शुक्रिया गुजार हैं गुलजार साहब के कि, और हम चाहते हैं कि वो आते रहें। और आज इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स पोइट क्लब का भी इनॉग्रेशन किया जिसका नाम रखा गया कच्ची कलम सोसाइटी। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं अपने एस्पिरेशन से पोइट लिखेंगे और कुछ पोइम जो हैं कभी कभी गुलजार साहब के साथ भी लेके जाएंगे कुछ करेक्शंस के लिए, कुछ सलाह के लिए। तो मैं आपके इस योगदान के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ गुलजार साहब जी। शुक्रिया, मैं मशहूर हूँ बोल के कि मुझे मौका मिला इस जनरेशन के शायरों के साथ, इस नई जनरेशन के साथ, नई पौध की जनरेशन, नए शायर तो ये चले हैं आगे। मैंने जैसे वहाँ पे कहा भी आपको कि भाई आपको ज़रूरत होगी मेरी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जड़ों में शामिल हूँ आपकी, लेकिन मुझे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं ऊपर की शाखों पे खिलना चाहता हूँ अभी भी। तो कौन कोई सिखाता नहीं, लेकिन जो सीख जाए तो शायद इन स्टूडेंट्स को और विद्यार्थियों को नहीं मालूम कि मैं उनसे कितना सीख के चला जा रहा हूँ। मैं सीख के निकल गया यहाँ से, उन्हें पता भी नहीं चला कि हम कितना सीख गए कि इस जनरेशन के साथ इनकी वाइब्स क्या हैं और इनके हाउ डू दे रिएक्ट टू पोइट्री एंड हाउ डू दे एक्सप्रेस इन पोइट्री। और ये कि ये कच्ची कलम से ये एक नाम बड़ा खूबसूरत लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा ये नाम जो आपने रखा। और एक और चीज़ है कि मिट्टी कच्ची रहे तो वो मुड़ती भी रहती है ना, उसे मोल्ड किया जा सकता है। कलम कच्ची होगी तो उतनी उसमें वो लचक भी होगी, और उसे पकने ना दो। जो पकनी है चीज़ वो आपकी नज़में हैं, वो पकेंगी, उन्हें पकने दो। बहुत अच्छा। और ये इसको कच्ची कलम इसलिए बहुत खूबसूरत लगा, और इसको कच्चा ही ऐसे ही रहे ताकि ये हमेशा उसी लचक में रहे, और जो नज़में निकलती रहेंगी वो धीरे धीरे पकती रहेंगी, आपकी उम्र के साथ पकती हैं। और मैं तो अब तक अपनी नज़मों को पकाने में बहुत वक्त लेता हूँ, कई बार 2-3 महीने तो मामूली बात है, कई बार तो ये कि छपने के लिए जब जाती हैं तो 1-1 साल के बाद जाती हैं, क्योंकि वाकई फौरन के फौरन वो लम्हे उसी लम्हे पे कह देने वाली बात नहीं होती। कह के आप रख दीजिए और फिर पता चलता है कि आपका मतलब वही जो आपने सोचा था वही आया या नहीं आया। कोई नज़्म एक्सीडेंटल नहीं होती, आप जो कहना चाहते हैं वही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं देखिए मैं नज़्म कह रहा था और कहते कहते ये कुछ क्या बन गई, तो क्या बन गई है तो मतलब आप कहीं ना कहीं फेल हुए, आप अपनी बात कह नहीं पाए जो नज़्म में बन गई अल्फाज में तो कह दी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो शुरू देखी शुरू की थी लेकिन साहब ये नज़्म में फिर ये बनती हुई चली, इसमें से एक और बात निकल आई तो मैंने वो बना ली और ये देखिए अब इतनी लंबी नज़्म। तो मेरा ख्याल है वहाँ दैट इज द फेलियर ऑफ अ पोएट, द पोएम हैज़ टू बी एग्जैक्टली व्हाट यू वर ट्राइंग टू राइट। जो आप कहना चाहते थे आपकी नज़्म को वही कहना है, अगर वो नहीं कह रहे तो उसे दोबारा कहिए, उसे डिसमेंटल कीजिए फिर कहिए, उसे डिसमेंटल कीजिए फिर कहिए, और वो धीरे 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 पकती है कुम्हार के कुल्हड़ की तरह, और धीरे धीरे पकती है ये शाख पे लगे फल की तरह। ये ज़रूरी है, ये होते रहना। नज़्म इतना ज़्यादा अच्छा लगता है या लिरिक्स? तो प्रोफेशन है, इट्स अ कमीशनड वर्क। नज़्म इज़ माई स्टेटमेंट टू लाइफ,
जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ या जो मैंने एक्वायर किया है ज़िंदगी से, वो दैट्स माई स्टेटमेंट। फिल्म डिपेंड्स, इट्स मतलब फिल्म तो एक जॉब, एक काम मुझे दिया गया है कि आप कितनी परफेक्शन के साथ इस सिचुएशन पर, इस कहानी की, इस किरदार के लिए आप लिख सकते हैं या नहीं। और वो आपकी परफेक्शन है कि उसके ऊपर अपनी जितनी मेहनत करें कि उसमें आप अपना अंदाज उस कैरेक्टर का बना दीजिए, या उस कैरेक्टर के अंदाज से ऐसे अपनी आप नई बात कह लीजिए कि ये उस पर मोहर रह जाए। तो जब आपने लिखा मोरा गोरा रंग ले ले और शाम रंग दे दी, तो इंस्ट्रक्शंस क्या दी थी डायरेक्टर ने आपको? सिचुएशन बता दी गई थी, कहानी बता दी गई थी, लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये थी कि ये लड़की अपने पिता से रोज़ शाम को वैष्णव कविता सुना करती है। मोहल्ले वाले आसपास के लोग भी आते हैं, बैठते हैं, और वैद्य जी, वैद्य हैं उनके पिताजी, और वो वैष्णव कविता सुनाया करते हैं। तो जाहिर है कि जब ये लड़की अगर गाएगी तो वो तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तो नहीं हो सकता ना, फिर तो वो वैष्णव कविता ही की इमेजरी आएगी। तो वो मेरे लिए ज़रूरी था कि इस सिचुएशन में ये कैरेक्टर ये है, और इस सिचुएशन में जो भी इमेजरी आएगी वो वैष्णव कविता से आएगी, तो ये सीखना ज़रूरी होता, तो वो किया गया था उसमें। इसलिए मोरा गोरा रंग ले ले, मोहे श्याम रंग दे दे, वो इसलिए आता है। और सवाल कुछ आपके? जैसा कुछ बच्चों ने आपसे सवाल जब आप भी पूछे, तो क्या कुछ आपने टिप्स दी कि इस तरह से फ्यूचर को अपने? मैं जी बस माइक को हाजिर नाजिर जान के जो सच था वही कहा और कुछ नहीं कहा। जो सवाल थे उन्हीं के जवाब दिए। गुलजार साहब जी और सुभाष जी, पूजा फ्रॉम न्यूज स्टेशन चैनल। हम लोग फिल्म्स बनाते हैं, उसमें कविता होती है, पोइम्स, गाने, जो भी होते हैं, पोर्ट्रे करते हैं थिएटर्स में। कई सारे शहरों में, छोटे शहरों में सिंगल थिएटर्स बंद हो रहे हैं, तो लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे वो सब चीज़ें, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है आने वाली जनरेशन के लिए कि उन्हें अपने आध्यात्मिक, मानसिक और प्रोफेशनल की तरक्की के लिए वो पोइट्री और डांस, ड्रामा, आर्ट, जितना भी फॉर्म है उनको सीखें। और उसके लिए छोटे छोटे थिएटर्स हर शहर में होना और हर जगह होना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज भी हम बिचली बुल्स में हैं, तो आज ये अभियान चला रहे हैं कि हम ड्रामा सोसाइटी बनाएं, पोइट्रिक सोसाइटी बनाएं, बिकॉज पोइट्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अपलिफ्ट योर कैरेक्टर, योर होराइजन ऑफ थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ऑफ यूनिवर्स। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन मस्ट लर्न पोइट्री। इन फॉरेन कंट्रीज देयर आर मैनी पोइट्री स्कूल्स, देयर आर मैनी पोइट्री सब्जेक्ट इन यूनिवर्सिटीज, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसीलिए थिएटर्स भी होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी होना चाहिए, कॉलेज में भी होने चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए, पोइट्री का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके लिए आज गुलजार साहब ने हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, और आज हमारे कच्ची कलम को ओपनिंग किया उसने। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये बिल्कुल सही है। और उसमें ये कि फाइन आर्ट्स, अगर आप शायरी कर रहे हैं तो सिर्फ शायरी नहीं, आपको कहीं ना कहीं लय की भी ज़रूरत है, किसी रिदम की भी ज़रूरत है। तो ज़बान के अलावा आपको म्यूज़िक से वाकफियत होगी तो आसानी होगी, और उस लय में आप सही मीटर पैदा कर सकते हैं। और सारे फाइन आर्ट जितने हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। आपकी इमेजरी में पेंटिंग आती है, पेंटिंग में शायराना ख्याल आते हैं, फोटोग्राफी आ जाती है, उसमें म्यूज़िक का रिदम भी आ जाता है। तो ऐसा फाइन आर्ट्स कोई अलग अलग फ्रेगमेंटेड कैनवस नहीं है, उसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। आपका जो भी मेन मीडियम है उस मीडियम में कहीं ना कहीं कविता भी आएगी, कविता के साथ साथ कहीं पेंटिंग भी आएगी, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं म्यूज़िक भी आएगा। सो इज़ इन म्यूज़िक एंड सो इज़ इन पेंटिंग। मीडियम जो है पोर्ट्रेट करने के लिए थिएटर्स चाहिए होते हैं। तो जितना आप जमा करेंगे, जितना आपके अंदर होगा, उतना ही आपकी उपज होगी, उतने ही आपकी उपज के कलर्स होंगे, जितना कुछ आपने सीखा। तो एक्वायर एज मच एज यू कैन, लर्न एज मच एज यू कैन, एंड स्टोर इट एंड ओन इट।
उसको डिसॉल्व करके आप अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लीजिए, वो अलग रखी हुई शेल्फ पर रखी हुई चीज़ नहीं है, वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाना चाहिए। और आपका कहना सही है कि सब सीखने के लिए एक जगह भी चाहिए होती है, जैसे थिएटर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, तो इस तरह की वर्कशॉप और थिएटर्स जो हैं हमारे गवर्नमेंट को, हमारे सोसाइटी को, कॉरपोरेट्स को ये इनक्रेज करने चाहिए कि जितनी भी वर्कशॉप्स और प्लेसेस उनको दे सके बच्चों को, जहाँ वहाँ एकत्रित होकर वो सीख सकें, उसको बढ़ावा दे सकें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे थिएटर्स का होना भी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।